वेलकम टू रेखा किचन। आज हम बनाएंगे दाबेली, जो महाराष्ट्र और गुजरात की फेमस फूड है। इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। तो ये चार उबले हुए आलू हैं, पीनट्स सेकी हुई, पोमोग्रेनेट प्याज बारीक कटा हुआ, नारियल किसा हुआ, अदरक, बारीक हरी मिर्ची कटी हुई, हींग, शक्कर, नमक, लेमन जूस, टर्मरिक चटनी, लहसुन की चटनी एंड दाबेली का मसाला और पाव और थोड़ा सा ऑयल। दाबेली बनाने के लिए हम सबसे पहले दाबेली का मसाला बना लेंगे। तो ये आखा धनिया ले लेंगे, रोस्टेड करना है। ये आखी लाल मिर्ची, 5-6 लाल मिर्ची ले लेंगे, 4-5 ये लौंग डाल लेंगे इसमें, 1 ये दालचीनी और थोड़ा सा ये जीरा और ये थोड़ी सी हींग 1/2 टीस्पून करेंगे। इनको सबको थोड़ी देर हम अच्छे से रोस्टेड कर लेंगे। बस ये 2-3 मिनट हम इसको अच्छे से रोस्ट कर लिए हैं। अब हम इसको गैस बंद कर देंगे और हल्का सा ठंडा होने पर हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। दाबेली बनाने के लिए हम सबसे पहले दाबेली का मसाला बनाएंगे। तो मसाला बनाने के लिए हम ये ऑयल लिए हैं 3 टेबल स्पून, उसमें थोड़ा सा हम जीरा डालेंगे, ये थोड़ी सी चुटकी भर हींग लिए थे अपन ने वो हींग डालेंगे, हरी मिर्ची बारीक कटी हुई थी, अदरक पीसा हुआ, इसमें 2 टीस्पून हम दाबेली का मसाला डालेंगे। ये मसाले को हम स्लो गैस में थोड़ा सा तेल में हल्का सा भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे नहीं तो काला हो जाएगा। अब ये जो हमारा बॉयल्ड आलू था वो इसमें मिला, ये कटा हुआ प्याज, ये 1 टीस्पून नमक, नमक थोड़ा टेस्ट के अनुसार अपन कम ज़्यादा डाल सकते हैं, 1/2 टीस्पून चीनी और ये जो पीनट हमने रखा था थोड़ा सा पीनट। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये 1 टेबल स्पून नींबू का जो रस निकाले थे वो डाल देंगे, थोड़ा सा ये किसा हुआ जो खोपरा है वो मिला देंगे और ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये अब हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और ये हमारा मसाला रेडी हो गया है। अब स्टफिंग करेंगे हम बंस के में, तो उसके लिए जो पीनट है उसमें थोड़ा सा हम ऑयल मिला देंगे और ये जो हमारा दाबेली का मसाला है वो थोड़ा सा इसमें मिक्स कर देंगे। थोड़ा पीनट हमने अंदर डाला है टेस्ट के लिए और थोड़ा सा हम ऊपर से भी डालेंगे। ये हम थोड़ा सा इसमें अनार डाल देंगे, अनार हम पहले इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि अनार गर्म होकर ख़राब हो जाएगा, इसके लिए हम लास्ट में अनार डालते हैं इसमें और थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से और डाल देंगे थोड़ा सा। अब हम जो ये बंस है हमारी ये 1/2 कट कर देंगे, पूरा कट नहीं करेंगे, आधे दूर तक करेंगे बस, ये ऐसे लहसुन की चटनी है वो एक साइड हम लहसुन की चटनी लगाएंगे इसमें, लहसुन नहीं खाते हैं तो हरी चटनी भी लगा सकते हैं और एक साइड हम ये इमली की जो चटनी है हमारी वो, ये हम पूरी इमली की जो मीठी चटनी है वो लगा लेंगे। जो हमारा दाबेली का मसाला है वो स्टफ करेंगे। अभी जो हम मसाला मिला के मूंगफली रखे थे पीनट वो थोड़ा सा डाल देंगे इसमें, इससे टेस्ट अच्छा आता है और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज और इसके ऊपर ये बारीक कटी हुई सेव, सॉरी बारीक सेव
बारीक कटे हुए प्याज के ऊपर सेव डाल देंगे और ये सेव हम इधर चारों तरफ भी ऐसे थोड़ा सा डाल सकते हैं, थोड़ा बीच में और थोड़ा चारों तरफ हमने सेव लगा के ये स्टफिंग कर दी है। अब ऊपर से हम इसमें थोड़ा सा दाबेली का मसाला, थोड़ा सा हरा धनिया, जरा सी सेव, ये हमारा दाबेली कंप्लीट हो गई है। ये हमारी दाबेली रेडी हो गई है।